5 दिन हो गए हैं और मतलब बहुत परेशानी आ रही है। और इधर साइड से मेरा घर है वहाँ पे मतलब अंदर बोरिंगों में पानी, मतलब बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। क्या ड्रेनेज का पानी अंदर घरों में? हाँ, ड्रेनेज का घरों में भी जाना है। क्या हो रहा है? हाँ, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। अभी तो मैंने करीब 2 दिन से मेरे बच्चे को मेरे घर पे पहुँचवा दिया है, अभी है ही नहीं उनको, अभी कल ही पहुँचाया मैंने, क्योंकि वो परेशान हो रहे, खुद के तो जा नहीं सकते ना, घर में रह नहीं सकते। सबसे बड़ी गाड़ी घोड़े का, हमारे गाड़ी घोड़े भी हम इधर उधर रख रहे हैं, चोरी हो जाते हैं। तो जून पे आते हैं तो क्या बोलते हैं अधिकारी? बोलते कि हाँ बस आते हैं और फिर आते नहीं दो दो दिन तक। कितने दिन से काम बंद है अभी? ये 5 दिन होगा, करीब 5 से 6 दिन होगा। आपका नाम? मेरा नाम कोमल प्रजापति। कॉलोनी का नाम है और क्या समस्या? ये अंसारी बाग पवनपुरी कहलाती है। ये आज से मतलब 15 साल हो गए हम जोन पे जाके इस चैम्बर के लिए हम कंप्लेन करते करते। ये लाइन पूरी घास से भरी हुई है और ये चैम्बर से लेके वो वाले चैम्बर का स्पाइन 60 फीट है। ये शिकायत हम कई बार ऑनलाइन भी कर चुके हैं और अभी जब ये नर्मदा लाइन डलने की वजह आई तो पूरी लाइनें फूट गई। हम आज सुबह विजयवर्गीय के घर भी गए, कैलाश विजयवर्गीय के घर, वहाँ गए तो उनके आदमी उन बोलते बोले अभी भैया सो रहे हैं, 3 बजे उठेंगे। फिर हम रमेश मंदोला जी के वहाँ पे गए, उनने फ़ोन लगाया, उनने बोला कि जाओ मैं आपसे की बात करवा देता हूँ, वो मिल जाएंगे आपको। हम वहाँ गए तो वो वहाँ के बंदे होन भी हमारे को टाल दिया, उनने बोले वहाँ जो वहाँ कार्यालय चले जाओ, वहाँ हो जाएगा आपका काम, वहाँ ऐसा हो जाएगा, उनने करके ना टाल दिया। अब हम वहाँ से कार्यालय पे भी उनको बोला कि भैया हमारे को आकाश जी से बात करवा दो तो हमारी समस्या बताएं हम उनको। जोन पे जाते तो क्या बोलते हैं? जोन पे जाते बस आते हैं, वो 2 आदमी पहुँचा देते हैं, बस किमड़ी चला जाते हैं। मशीन तो आ ही नहीं पाती इधर, जो प्रेशर वाली मशीन रहती है ना जो, वो इधर नहीं आ पाती गली में। पाइप भी छोटा था, लोगों को आने जाने में क्या परेशानी आ रही है? आने जाने में देख लो ना आप कैसी कंडीशन पड़ी। आज 5 रोज हो गए, 2-3 बच्चे गिर गए, 1 बच्चे को तो कल MY लेके गए, है ना। MY पटक क्या है बेचारा, वो फ्रैक्चर है क्या है भगवान जाने। तो क्या ड्रेनेज का पानी, क्या पानी घरों में जा रहा है? ये चैम्बरों, चैम्बर का पानी बोरिंग होने में जा रहा है। आज से नहीं, 15 साल हो गए हमारे को ये कहानी दोहराते दोहराते, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे भी, और इतनी सी गली कोई नेतागिरी नहीं। आज हम पहली बार गए आकाश जी के वहाँ पर, जबकि रात को कैलाश जी का फोन आया था हमारे पास कि मेरा बेटा खड़ा हो रहा है, ध्यान रखना। तो हमने एक तरफे बोर्ड डलवाया आकाश जी को, रेखाट उठा के देख लो आपकी एक तरफे बोर्ड है कि नहीं। ये कैलाश जी का फोन आया था रात को 1:30 बजे हमारे पास, वो ठीक है, मतलब बता रहा हूँ। अभी में क्या चाहते हैं? हाल फिलहाल की वही तो, आज हम वहाँ जब गए ना कैलाश जी के, विजय वर्गीय जी के वहाँ पे, तो उनके जो कर्मचारी लोग हैं बोले हाँ अभी सो रहे हैं, अभी इधर है उधर है, आप बाहर बैठ जाओ। उनसे बढ़िया तो रमेश मंदोला जी है, हमारे को चाय पिलाई और प्रेम से बिठाया कि आप बैठो, वो उनको हम जगाएंगे और आपसे मिलवाएंगे। उसके बाद भी उन लोगों की भी नहीं सुनी उनने, और आज ये स्थिति है कि अभी कोई भी यहाँ आने को तैयार नहीं है, और आज 5 रोज हो गए। यदि काम अगर यहाँ पर नहीं होता तो कॉलोनी वाले क्या करेंगे आगे, क्या आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? आंदोलन ही करेंगे, अब तो हम चक्का जाम करेंगे, फिर चक्का जाम करेंगे बजरंग बली के वहाँ मंदिर पे जाके बैठ के। आपका नाम? मेरा नाम सुखदेव कुमावत।